हमारे ठीक सामने बैठे हैं अतीक, जो घरथरी के रहने वाले हैं, और अतीक ने देखा है, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जानवरों को देखा है। किन जानवरों को देखा है, किस स्थिति में देखा है, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या देखा आपने और कब देखा? बुद्ध को देखा दोपहर में, जब आया सामने तो हम पेड़ पे चढ़ गया। क्या आया? भेड़िया आया। जब भाग गया, पांच छह लोग आया, तब नीचे आके उतरा, उतर के आया, तब साथ में सबके आया गांव को। कितने बजे की घटना है लगभग ये? दो बजे दोपहर 2 बजे। हाँ, दिन में 2 बजे। यानी कि आपको पक्का पता है कि यहाँ पर भेड़िया ही था? हाँ, पक्का पता है। एक थे या कई थे? एक था, एक भेड़िया था। हाँ, एक था, एक भेड़िया यहाँ पर था। तो कहाँ गए, कहाँ जा सकता है? वन विभाग की टीम आई होगी ढूंढने? गन्ना में आया। कौन से, अभी कहाँ पे, मतलब आप क्या क्या होगा? बाजू में गन्ना था। दावा है कि ठीक सामने एक गन्ने का खेत है जो आपको दिख रहा होगा, और ग्रामीणों का दावा है, अतीक का दावा है कि यहीं पर जो है अभी भी यहाँ पर भेड़िया मौजूद हैं। संख्या थी, इकलौता देखा आपने? हमने देखा और जाबिर बाबा ने देखा। जाबिर बाबा ने देखा। हाँ। ऐसे में वन विभाग किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही, ढूंढ रही है उनको? अभी तो कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया? सुबह से कोई नहीं आया? सुबह से कोई आया? सुबह से अभी कहाँ आया, कोई नहीं आया। सुबह से कोई आया? अभी कोई नहीं आया यहाँ पे। करें सुबह से यहाँ कोई, यहाँ कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं आई? सुबह आई कोई टीम? क्या लगता है, बात सही है, भेड़िया है आप? अरे अभी भेड़िया को आज ही भेड़िया है इसमें, इस गन्ने में, ये सामने वाला जी, जी इसी गन्ने में आज ही भेड़िया इसने देखा है। किसने देखा? बदलू मामा। कौन बदलू मामा? ये है सामने। तो बदलू मामा बताइए, भेड़िया देखे हो? हाँ, जानवर देखे हैं। हाँ, कहाँ देखे हो? कम से कम 20 किलोमीटर रहा है। 20 मीटर? 20 मीटर की दूरी पे था यहाँ से? नहीं, दीवार अति दूर है। फिर क्या हुआ? फिर हम चले आए। हाँ। लुल्हाए नुका। हाँ। फिर चले आए। हटाना है? हटाना है, हटाना है। ये है हमारे गांव के बुजुर्ग, क्योंकि भारत देश है तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे तैयार है, और दावा तो यहाँ तक कर रहे हैं कि ये सामने पंचायत भवन बना हुआ है, और पंचायत भवन के उस पार जो खेत आपको दिखाई पड़ रहे हैं गन्ने के, उन गन्ने के खेतों में दावा है कि भेड़िया अभी मौजूद हैं, और ग्रामीण इस बात की पुष्टि भी करने में लगे हैं। हालांकि वन विभाग अभी इस पर खुलकर अपनी बात नहीं कर रहा है। वन विभाग का कहना है कि लगातार जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कॉम्बिंग जैसी कोई भी स्थिति यहां पर देखने को नहीं मिल रही। दादाजी क्या बता रहे हैं? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, खाली मीडिया वाले दिखे आए और कोई नहीं आया। और सुबह सुबह ये देखे ना जानवर के, तो कहा लाग तो कहा हुआ यार जी, वैसे डाला ये चक्कर। तो गांव का दावा है कि मीडिया कर्मी तो यहां पहुंच गए हैं, मगर बहराइच की घटना सुनी आपने? हाँ हाँ, 8 लोग, 8 बच्चे खाए। अच्छा, यहां आपके गांव के पड़ोस में भी कुछ हादसे हुए? हादसा हुआ एक बुढ़िया के यहाँ जो है। और धर्मपुर में भी कुछ हुआ? हाँ, एक लड़का के यहाँ नोट दिए से दो, हाँ दो लड़का हो एक। तो लोग बता रहे हैं कि पड़ोस का गांव जो धर्मपुर है, वहाँ भी भेड़िया लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और वसीम कर बकरा धरा खाएंगे, यह गन्ना में है, इसी खेत में। हाँ, इसी खेत में बताया गया कि बकरा भी जो है शिकार बनाया गया भेड़िए के द्वारा। अब लगभग कितनी संख्या है अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग गांव में लगातार बने हुए हैं, हालांकि वन विभाग की कोई भी टीम यहां पर देखते हुए नहीं पाई जा रही है, कॉम्बिंग करते हुए नहीं पाई जा रही है। सुबह लोग बता रहे थे कि वन विभाग टीम कॉम्बिंग कर रही है, जैसे कि समाचार चैनल चला रहे थे, लेकिन यहां पर ग्राउंड लेवल पे लोगों का कहना है कि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वन विभाग की टीम यहां पर आई भी नहीं है। नहीं, अभी जो हमने यहां पे पक्षी ने देखे हैं, भेड़िए के तो नहीं है, पुष्टि तो हो रही है, क्योंकि उसके साइज थोड़े बड़े होते हैं। जो यहाँ पे हमें देखने से प्रथम दृष्टया आया है वो बेसिकली जयकाल या डॉग फैमिली के हो सकते हैं। तो भेड़िए की तो पुष्टि नहीं है, क्योंकि वो उतने बड़े हमें पक्षी यहाँ पे नहीं मिले हैं जितने होने चाहिए, जो एक जयकाल उसका होता है आयना का।
तो बाकी गांव वालों से एहतियातन हमारी टीम यहां पे एक्टिव है, कोई भी सूचना अगर गांव वालों को ऐसी मिलती है कहीं पे भी वो ऐसा कुछ होता है तो तुरंत वन विभाग को तत्काल सूचित करें, वन विभाग उसमें उचित कार्रवाई तत्काल करें।